नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ताऊते तूफान ने जाते जाते ONGC के दर्जनों कर्मचारियों की ली जान। अब तक नौसेना ने निकाले 22 शव जबकि 52 लोग अब भी लापता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने YouTube से होने वाली लाखों रुपए की आय कोरोना काल में सेवा कार्यों पर लुटा दी। हाल ही में कॉन्फ्रेंस में किया इसका खुलासा। और नागपुर में तेज गति इनोवा कार की टक्कर से उड़े ई रिक्शा के परखच्चे, रिक्शा चालक ने स्थल पर ही तोड़ा दम। और अब खबरें विस्तार से। ताऊते तूफान की जद में आकर मुंबई हाई में डूबे बार्ज में 22 ONGC कर्मचारियों की लाशें मिलने से खलबली मच गई है। ताऊते तूफान के कारण भारत में घटी यह सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। नौसेना, तटरक्षक दल सहित सागरी कंपनियों की नौकाएं कल शाम से ही बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी तक 188 लोगों को सुरक्षित बचाने में सफलता मिली है, जबकि 52 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि समुद्र की गहराई में मुंबई हाई स्थित हीरा तेल कुएं के परिसर में ONGC का पापा नामक बार्ज तैनात था। देश के अनेक विद्यापीठों के कुलगुरु से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का खुलासा किया है कि मेरे भाषणों के वीडियो प्रसारित होने के बाद आज मुझे YouTube की ओर से प्रतिमाह 4 लाख रुपये मिलते हैं। यह आय मैंने कोविड संकट के निपटने के लिए किए जा रहे समाज कार्यों के लिए दान कर दिए। उन्होंने बताया कि कोविड काल में अपने अनुभवों पर मैंने पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक की 10,000 प्रतियां प्रकाशित होने से पहले ही बिक चुकी है। नागपुर के बैद्यनाथ चौक से अशोक चौक के बीच तेज गति से जा रही इनोवा कार के चालक ने सेंट्रो कार को ओवरटेक करने के प्रयास में ई रिक्शा को इतनी जोर से टक्कर मारी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। इनोवा भी कंट्रोल से बाहर होकर रोड डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। कि बैद्यनाथ चौक ते अशोक चौक कडे जाणाऱ्या रोड वरती एक वाहनाने एक ई रिक्षाला धडक दिलेली, त्या संदर्भात माहिती मिळाली। आम्ही तत्काळ घटनास्थळी पोहोचलो। घटनास्थळावर जखमी ई रिक्षा चालक होते आणि आपले वाहन इनोवा कारने ई रिक्षाला धडक दिलेली आहे। इनोवा कारचे चालक आणि जखमी ई रिक्षा चालकाचे चालक, त्या ई रिक्षा चालकाला तत्काळ आम्ही वैद्यकीय उपचारक आम्ही मेडिकल हॉस्पिटल येथे दाखल केले। दाखल करण्यापूर्वी त्यांना डॉक्टरांनी उपचारापूर्वी मयत घोषित केले। त्यानंतर ही जी घटना आहे, त्या घटनाच्या घटनास्थळावर गेल्यानंतर आजूबाजूच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार साक्षीदारांच्या चौकशीनंतर आम्हाला असे निष्पन्न झाले की नमूद वाहन इनोवा चालक हा भरधाव वेगाने बैद्यनाथ चौक ते अशोक चौककडे जात असताना त्याने एका सेल्टॉस गाडीला ओव्हरटेक करत असताना ही उभी असलेली ई रिक्षा चालक आहेत, ई रिक्षाला जोराची धडक दिली, त्यामुळे या धडकेमध्ये ई रिक्षा चालकाचा मृत्यू झालेला आहे। राज्य में म्युकरमायकोसिस रोग के फैलाव को देखते हुए इसके उपचार के लिए आने वाला खर्च बहुत ज्यादा है। उस खर्च का भार सर्वसाधारण मरीजों पर नहीं पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने म्युकरमायकोसिस का उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किए जाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। बस बैलेंस जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि 30 जून तक स्कूलों द्वारा छात्रों को मिलने वाले अंकों का असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद ही सीबीएसई 10वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में 15 जुलाई के बाद ही 10वीं सीबीएसई के परिणाम की संभावना है। बता दें कि कोरोना की वजह से इस बार सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को उनके साल भर के परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। खाद के दामों में बढ़ोतरी का निषेध करते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। कल से संपूर्ण राज्य में प्रत्येक किसान अपने खेतों व घरों के सामने केंद्र सरकार का निषेध करते हुए पुतले जलाएंगे। यह जानकारी देते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के नेता रविकांत तुपकर ने चेतावनी दी है कि तब भी यदि खाद के दाम कम नहीं घटाए गए तो इससे भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने खत कंपन्यांचे अनुदान बंद केल्यामुळे खत कंपन्यांनी खताची मोठ्या प्रमाणामध्ये दरवाढ केलेली आहे। ही दरवाढ अचानक झाल्यामुळे शेतकरी सगळे गांगरून गेलेले आहेत। पहिले शेतकरी आत्महत्येच्या दारात उभे आहेत। एक तर केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देतो असं सांगितलं, परंतु स्वामीनाथनच्या सूत्रानुसार शेतीमालाला भाव दिला नाही। तीन कृषी कायदे आणून शेतकऱ्यांना जगाच्या स्पर्धेमध्ये डायरेक्ट उतरवण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आणि कुठल्याही मूलभूत सुविधा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिला नाही आणि ही खताची दरवाढ करून त्याच्यावर मोठा कळस या ठिकाणी केंद्र सरकारने केलेला आहे। आणि आता पेरणी कशी करायची, एवढी मागाची खतं कुठून आणायची, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे। अजून पीक कर्ज वाटपाला सुरुवात झाली नाही, त्यामध्ये लॉकडाऊनमुळे आणि या कोरोनामुळे शेतीमाल लोकांचा सडलेला आहे, त्याचे दर सुद्धा पडलेले आहेत। मागील 3 वर्षापासून सततची नापिकी व कोरोना महामारीचे संकट यामुळे शेतकरी खूप अडचणीत सापडलेला आहे आणि अशा या काळात शासनाने खताची दरवाढ करून शेतकऱ्याला अजून खाईत लोटलेले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यासमोर खूप मोठी समस्या आहे। तरी सरकारने त्वरित हे जे खताची दरवाढ आहे याचे भाव कमी करून शेतकऱ्यांना थोडा तरी दिलासा द्यावा, ही कळकणीची विनंती शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांची सरकारसाठी आहे। मालदार व्यापारियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए उनका अश्लील वीडियो बनाकर बाद में ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का अहमदनगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह की एक महिला व उसके साथ अमोल सुरेश मोरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक व्यापारी को ब्लैकमेल करते हुए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने कायनेटिक चौक में रहने वाले अमोल मोरे व महिला को गिरफ्तार किया है। उनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के कारण काफी विवादपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इस कारण राज्य सरकार की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही थी। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ हुई बैठक में राज्य सरकार ने इसे स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। डॉक्टर हेडगेवार जन शताब्दी सेवा समिति चंद्रपुर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एम्बुलेंस प्रदान की है। यह जानकारी देते हुए पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि नितिन गडकरी की तत्काल मदद के कारण ही कोरोना के साथ जंग में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आदि उपकरणों के माध्यम से हम नागरिकों की सेवा कर सके। अब इस एम्बुलेंस के कारण वनवासी दुर्गम क्षेत्र में लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता पहुँचाने में मदद मिलेगी। शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 24 घंटों में अत्यंत राहत की खबर सामने आई है। शहर में एक दिन में 1377 नए पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन उससे लगभग 3 गुना यानी 3778 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। एक और राहत की खबर यह है कि शहर में मृत्यु संख्या पर नियंत्रण पाने में सफलता मिलती जा रही है। बुधवार को 36 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिनमें नागपुर के 11 मरीजों का समावेश है। जिले में कुल 20,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।